हेलो फ्रेंड्स, पिंडवाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी का कोई भी फ़ोन आप कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले आपने क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर रेडमी का फ़ोन लेना आपने, इसकी सेटिंग के अंदर अगर आप फ्रेशर हो, न्यू हो, तो आपने जस्ट क्या ज़रूरी चीज़ देखनी है कि आपके फ़ोन के अंदर आपका MI अकाउंट, यहाँ पे आप अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं MI अकाउंट के अंदर अकाउंट फिल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो इसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। अगर है तो आपने ये अकाउंट नंबर याद रखना है और इसका पासवर्ड, इसको याद रख लेना फ्रेंड्स MI अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद आपने आपका फ़ोन पावर ऑफ कर देना है। तो पावर ऑफ, और एक फ्रेंड्स मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक दूंगा, तो वो सॉफ्टवेयर आपने आपके PC के अंदर डाउनलोड कर लेना है, MI फ्लैश अनलॉक के नाम से होगा। उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आपके PC के अंदर। उस सॉफ्टवेयर को आपने कॉपी कर लेना है, तो फोल्डर होगा पूरे का पूरा, उसके अंदर काफ़ी फाइल्स हैं, तो सारे का सारा फोल्डर ओपन करना है आपने। जिप फाइल को अनजिप कर लेना और फोल्डर आ जाएगा, उस फोल्डर को MI फ्लैश फोल्डर को आपने PC के अंदर अनलॉक करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम डाउन बटन दबाना और पावर बटन एक साथ दबाना है, फ़ोन को फास्ट बूट मोड के ऊपर लेके आना आपने, जस्ट एक साथ दबा के रखना है, इनको प्रॉपरली दबाना है। तो यहाँ पे फ़ोन फास्ट बूट मोड के ऊपर आ चुका है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी मैं इसको USB से कनेक्ट करूँगा, तो USB से जस्ट सेकंड, तो यहाँ पे मैंने इसको फास्ट बूट मोड से लगा के USB से कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, PC के अंदर वो फोल्डर ओपन कर लेना है MI फ्लैश का, जो मैंने आपको बोला था, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर में ये फाइल हो गया फ्रेंड्स, MI फ्लैश unlock.exe, इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, तो एग्री कर देना इसके टर्म ऑफ कंडीशन पे। तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे आपने MI अकाउंट आईडी डालनी है जो आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन है, जिस फ़ोन को आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है उसी का जो उसके अंदर अकाउंट लॉगिन है वो अकाउंट और उसका पासवर्ड यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। तो जस्ट वेट, मैं अभी यहाँ पे यही करूँगा। तो यहाँ पे मैं उस अकाउंट से लॉगिन कर लिया है फ्रेंड्स। तो लॉगिन करके जब आप क्लिक करोगे उसके ऊपर पासवर्ड के, तो लॉगिन पे क्लिक करोगे सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन आएगा, ये शो होगा आपको मैसेज कि योर डिवाइस नॉट स्पॉटेड बाय MI अनलॉक, कि आपका डिवाइस इसके अंदर स्पॉटेड नहीं है। जब फर्स्ट टाइम आप पासवर्ड और ID लगा के आप लॉगिन करोगे ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपके फ़ोन की तरफ से, आपके अकाउंट की तरफ से रिक्वेस्ट चली जाती है MI के सर्वर में कि मैं अपना डिवाइस अनलॉक करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली चली जाती है, तो अपने आप रिक्वेस्ट चली जाती है। आपने क्या करना है, जस्ट 2-3 दिन वेट करना है, 4 दिन वेट करना है, उसके बाद फिर से आपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पर लाना है और USB से कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर यही सॉफ्टवेयर से ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। और लॉगिन करके फिर आपने देखना है कि अगर ये मैसेज शो हुआ, फिर आपने 3-4 दिन वेट करना है, और थोड़ा वेट करना पड़ता है, रेडमी का यही पंगा है। तो अगर आप इसका अनलॉकिंग में थोड़े दिन लग जाते हैं, एक और तरीका भी है, चाइना का एक कस्टम रोम इंस्टॉल करके, फ्लैश करके, फर्मवेयर डाउनलोड करके आप जल्दी उसको अनलॉक कर सकते हो, लेकिन उसमें लैंग्वेज वगैरह चेंज हो जाएगी और कस्टम रोम भी वहीं का है चाइना का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा फंडा भी डिफ़िकल्ट है वो, तो मैं नहीं बताऊंगा। जस्ट आपने क्या करना है, वेट करते रहना और 1-2 दिन बाद इस अकाउंट को लॉगिन करके देखते रहना इस सॉफ्टवेयर को। जब यहाँ पे अनलॉक की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ के गो की जगह यहाँ पे नीचे आपका साइड में डिवाइस आ जाएगा और अनलॉक की ऑप्शन आ जाएगी, फिर आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। वो भी अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन है, रेडमी का नोट 4, ये देखो। तो अभी मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि आपके पास अनलॉक की ऑप्शन कैसे आएगी, तो जस्ट आप वीडियो देखते रहो। अभी मैं दूसरा फ़ोन PC से कनेक्ट करूँगा और उसकी ID और
पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि लॉग का मैसेज कैसे आएगा आपके पास। तो जस्ट वीडियो देखते रहो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपना अभी Redmi Note 4 को कनेक्ट किया है, यहाँ पे फास्ट बोर्ड मोड पे लगा के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से इसको USB से कनेक्ट करके रखा है, तो आप देख सकते हो। और इसका जो अकाउंट है और पासवर्ड है, इसके अंदर मैंने MIL के अंदर लगाया था, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फोन कनेक्टेड लिखा आ गया और अनलॉक की ऑप्शन आ चुकी है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपके पास भी फर्स्ट ऐसे ही ऑप्शन आएगी जब आप फोन अनलॉक करोगे, तो थोड़े दिन बाद फर्स्ट में वो ही मैसेज आएगा कि योर डिवाइस नॉट सपोर्टेड, लेकिन आपने ट्राई करते रहना, डेली लॉगिन करते रहना उस ID पासवर्ड से, और लास्ट में आपके पास ये मैसेज शो हो जाएगा। जस्ट आपने अनलॉक पे क्लिक करोगे तो थोड़ी प्रोसेसिंग होगी 1 से लेके 100 तक, और उसके बाद आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। और अभी जो लास्ट में है, एक और बात बताना चाहूँगा, जस्ट कुछ का फ्रेंड्स का तो यहीं पे अनलॉक हो जाएगा फ़ोन, वो जस्ट कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद उनका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा, तो उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं अभी दिखाऊंगा, कुछ के पास एक मैसेज मैसेज पॉपअप शो हो रहा है, एक एरर आ रहा है, वो मेरे पास भी आ रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि उसका क्या कर सकते हो आप, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो उस एरर को। जस्ट मैं यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के पास 50 पे जाके ये मैसेज शो हो रहा है, कुड नॉट वेरीफाई डिवाइस। तो मेरे पास भी यहाँ पे ये ही एरर आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी मुझे पता चला है, तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट आपने क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र के अंदर इनकी फॉर्म ओपन करनी है, en.miui.forum.com। ये इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आपने ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म ओपन करनी है, वीडियो के अंदर देख लो, ये फॉर्म है MIUI वालों की। तो उसके अंदर यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन कर लेना आपने, यहाँ से अकाउंट देखो मेरा पिंड वाला के नाम से अकाउंट आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपका अकाउंट लॉगिन कर लेना है इसके अंदर, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग आ रही है, जब इसके ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे नीचे सेटिंग आ रही है, सेटिंग के ऊपर जाना, और सेटिंग के बाद जाने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन वाला। तो इसके अंदर ना लास्ट में एक ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स डिवाइस की, तो आप ध्यान से देख लेना, आपका ना कोई गलत डिवाइस सेलेक्ट होगा। तो ये Redmi Note 4 तो अभी मैंने सेलेक्ट किया है, तो पहले मेरा Mi Max सेलेक्ट हुआ हुआ था इसके अंदर। तो आपने जो डिवाइस के अंदर आप जिसको अनलॉक करना चाहते हो, जस्ट जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जस्ट आपने वो डिवाइस सेलेक्ट करना है इसके अंदर। यहाँ पे नीचे अपने आप उसका जो वर्जन MI का वर्जन चल रहा है उसके अंदर वो आ जाएगा, दोनों चीज़ सेम सेलेक्ट कर लेनी है जो करंट यूज़ कर रहे हो आप, फिर आपने सेव सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से अकाउंट लॉग इन कर देना है, साइन आउट कर देना है, और साइन आउट करने के बाद जस्ट आपने 5-6 दिन वेट करना है, तो 4 दिन भी 3-4 दिन में भी हो जाता है कुछ का। और जैसे ही आप यहाँ पे आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन अपडेट करोगे तो 3-4 दिन बाद आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा, तो वो जो एरर आ रहा था आपके पास नहीं आएगा। तो ऐसे आपका कोई भी रेडमी का फ़ोन अनलॉक कर सकते हो। तो अनलॉक करने के बाद, उसके बाद अनलॉक होने के बाद भी मैं अपने मोबाइल इसका Redmi Note 4 का वीडियो बनाऊंगा, वो भी जल्द पोस्ट करूंगा, लेकिन ये इन तरीकों से आप आपका डिवाइस प्रॉपर तरीके से अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रोसेस में लग जाते हैं 5-6 दिन, तो आपने जस्ट वेट करना है फ्रेंड्स। लेकिन जिस दिन प्रोसेस स्टार्ट करोगे फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने पहले उस डिवाइस से किया, तो आपके डिवाइस की अनलॉकिंग की रिक्वेस्ट उनके पास उनके सर्वर में पहुंच जाएगी, उसके 5-6 दिन बाद आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। तो ऐसे आप आपका रेडमी का फ़ोन अनलॉक कर सकते हो। तो मेन स्टेप तो यही है जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो बस एक और है, वो कस्टम रोम का है, चाइना का कस्टम रोम, अपने फर्मवेयर अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश करके फिर अभी आप कर सकते हो, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है, उसमें आपके फ़ोन की लैंग्वेज वगैरह भी चेंज हो जाती है, इसलिए वो मैं नहीं बताऊंगा। तो सिंपल वे तो यही है इसको अनलॉक करने का, तो इसी तरीके से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका भी वीडियो मैं डालूंगा। फर्स्ट मेरा भी फ़ोन अनलॉक हो जाने दो, उसके बाद इसको रूट कैसे करते हैं रेडमी के फ़ोन को, उसका वीडियो भी मैं बना के डालूंगा। और बहुत सारे फ्रेंड दूसरे फ़ोन मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी मैं बारी बारी से क्लियर
कि TWRP रिकवरी कैसे उनके अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसका भी मैं जल्दी वीडियो पोस्ट करूंगा फ्रेंड्स। चैनल से जुड़े रहना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।